Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित। खंडर बने बाला साहिब अस्पताल के खुलने का रास्ता हुआ साफ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह भोगल ने इस बात की जानकारी दी कि बाला साहिब अस्पताल के शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। 12 नवंबर को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाते हुए अरदास की जाएगी और 17 नवंबर से कार सेवा बाला साहिब अस्पताल की शुरू की जाएगी। कार सेवा वाले बाबा भजन सिंह इस सेवा को शुरू करेंगे और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा और महासचिव हरमीत सिंह कालका के अंतक प्रयासों से यह अस्पताल शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि बाला साहिब अस्पताल बीते समय में शुरू किया जा रहा था, लेकिन पुरानी कमेटियों की नाकामियों की वजह से अस्पताल का कार्य बीच में ही रह गया। अस्पताल की बिल्डिंग खंडर बन गई और अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा और महासचिव हरमीत सिंह कालका इस अस्पताल को शुरू करने के लिए आगे आए हैं और अब जल्द ही अस्पताल शुरू होगा। शुरुआती दौर के अंदर 550 बिस्तरों का अस्पताल शुरू किया जाएगा। जिस तरीके नाल बाला साहब अस्पताल शुरू करने की फिर दोबारा तो कवायद शुरू की गई है, की लगता है किस तरीके नाल शुरू किया जाएगा काम? देखो, काम उत्थे शुरू हो गया है। जेड़ा उत्थे काकू जंगल बनया होया सी उहदी अज कटाई, जंगल जेड़ा सी उहदी कटाई शुरू कर दित्ती है। ते साडा ही पूरी उम्मीद है कि बाबा बचन सिंह जी 17 तरीक नूं उत्थे कार सेवा आरंभ करनगे। इस तों पहला 12 नवंबर नूं गुरद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच बाबा बचन सिंह जी अरदास करनगे। उस तों बाद 550 बैड दा साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज दे 550 साल जन्म शताब्दी नूं समर्पित यह 550 बैड दा हॉस्पिटल ये चालू हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो पहले जेड़े साबका प्रधान सी सरदार मनजीत सिंह जी के, वो 6 साल तक रहे, उन्होंने कोई इंट्रस्ट नहीं दिखाया इस हॉस्पिटल के मामले के विच। हुण मजिंदर सिंह सरसा ते हरमीत सिंह कालका ते सारी टीम ते खास तौर ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर समान उन्हां सारयां दा यह उपराला सी कि यह अस्पताल जिहड़ा हैगा जल्दी चालू होए। ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सरसा ने 4 किलो सोना बाबा बचन सिंह जी नूं दिता और उस तों बाद हुण उम्मीद है कि जिथे गुरुद्वारा कमेटी ने सोना दिता पैसा भी देंगे और जिथे सारे देश विदेशां संगत बैठी है वह भी बाबा जी नूं पैसा देंगे, तन मन धन नाल ये सेवा करेंगे। क्योंकि जब ये अगे अस्पताल बनया सी ते उस तों बाद परमजीत सिंह सरना ने ऐसा उन्हों ग्रहण लगाया, वो अस्पताल खंडर का रूप धारण कर गया। पहले मनीपाल नूं दिता, फिर बीएल कपूर नूं दिता, अज ये अस्पताल जिन्हें भागों में लिखा होता है, अज मनजिंदर सिंह ने सरसा ने ये जो उपराला किया है बाबिया नूं जिहड़ी कार सेवा देती है, नाल एक डाक्टर की टीम जो छोटे अस्पताल दे विच काम करती पी है। मैनू पूरी उम्मीद है कि ये अस्पताल जिदी मैं लड़ाई 12 साल लड़ी और जो मेहनत की अज सामने आ रही है। दूसरी गल, कल जो जनरल इजलास होया उदे विच भी इन्होंने जनरल इजलास दे विच फैसला किया कि असी कार सेवा शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक गल होर कही कि सरदार कुलदीप सिंह भोगल ने जो ये लड़ाई लड़ी, जो मेहनत की, अज जनरल हाउस के भी उन्होंने ना लिया। मैं उन्होंने सिरसा साहब का धन्यवाद करदा। सारी सिख जगत नूं यह बेनती करदे आ बाबा बचन सिंह जी की तरफों 17 तरीक नूं गुरद्वारा बाला साहब पहुँच के कार सेवा विच अपना हिस्सा लो और जिन्हां गरीब गुबरां दा इलाज होएगा ते वो अस्पताल जो है वह चढ़दियां कलां दे विच रहेगा। ताज़ा और नई खबर प्राप्त करने के लिए हमारे फेसबुक पेज जनहित न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल जनहित न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन मिल